हेलो एवरीवन स्टूडेंट, दिस इज विपिन हियर। आई एम अगेन केम बैक विद माय न्यू वीडियो ऑन अवर चैनल एजुकेशनल हाइक। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक क्लास 10 डेवलपमेंट। पर्टिकुलर चैप्टर डेवलपमेंट के पार्ट फर्स्ट में हम लोग केवल कुछ ही टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड दीज टॉपिक्स आर डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, इनकम एंड अदर गोल, नेशनल डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम, how to compare different countries or state. These all topic we will cover today in this particular video. Yeah, in other word we can say that part first of economic class 10 development. Okay, so let's start the video. देखिए आपको, आप सबसे पहले मैं बता दूँ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। हिंदी में तो लोग इसे क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लोग इसे विकास। लेकिन इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या, कई बार क्लास 10 के स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप बताइए डेवलपमेंट क्या, तो वो कह देता है विकास। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। आपसे मीनिंग नहीं पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन में आपसे डिफिनेशन पूछी जाएगी और आपको इसको डिफाइन करना होगा। ओके, तो ये जानते हैं डेवलपमेंट का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या। डेवलपमेंट रिफर्स टू इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इम्प्रूवमेंट इन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में जब इम्प्रूवमेंट होने लगे तो यही चीज़ कहलाती है आपकी डेवलपमेंट। याद रखना, डेवलपमेंट एक पॉजिटिव चेंज होता है, एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। ओके, जब आप सपोज करिए, जैसे आज आप 10,000 कमा रहे हैं, कल आने वाले समय में आपकी इनकम अगर 10,000 है, आपके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में, आपके रहने सहने के तरीके में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो ये डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। डेवलपमेंट वो तभी कहलाएगा जब आपके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में क्या हो, हर समय, ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहे, आपके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होता रहे। आज आपके पास बाइक थी, कल आपके पास कार हो, आज आप 10,000 कमा रहे थे, कल आप 20,000 कमाओ। जब ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे तो ये पॉजिटिव चेंजेस ही आपके डेवलपमेंट कहे जाएंगे। ओके, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट डेवलपमेंट रिफर्स टू पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट इन आवर कंडीशन। जब हमारी कंडीशन में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होने लगता है तो यही पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसा आपने देखा है किसी जगह पे पहले खड़ंजा बना, फिर उसको इंटरलॉकिंग बनाई जाती है, फिर वो रोड बन जाती है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ डेवलपमेंट कहलाती है। ऐसा नहीं कि खड़ंजा था तो पता लगा ईंटा हटा दिया गया, फिर से उसे कच्ची सड़क कर दी गई, ये डेवलपमेंट नहीं होगा। ये खड़ंजा ही रहेगा 10 साल तक, तब भी वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चेंजेस तो हो ही नहीं रहे। जाहिर सी बात है, जब किसी एक इंडिविजुअल के लाइफ में, किसी सोसाइटी में या कंट्री में पॉजिटिव चेंजेस होंगे तभी वो डेवलपमेंट कहलाएंगे, अदरवाइज वो डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, किसी भी पर्सन के लाइफ में अगर लगातार उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रहा है तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है, अदरवाइज नहीं। ओके, आइए एक एग्जांपल की मदद से हम डेवलपमेंट की डिफिनीशन को और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक आदमी है जिसका नाम क्या है, रमेश। रमेश अर्न 30,000 सैलरी फ्रॉम हिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन एंड ही हैज़ अ बाइक। 30,000 वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कमाता है, उसके पास एक बाइक है। बट इन फ्यूचर रमेश अर्न मोर देन 30,000 फ्रॉम हिज कोचिंग। इफ ही अर्न देन हिज पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट फॉर हिम, इफ नॉट देन इट इज़ नॉट कॉल्ड डेवलपमेंट। अगर फ्यूचर में रमेश अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से 30,000 रुपये से अधिक कमाता है तब तो ये उसके लिए डेवलपमेंट होगा, तब तो ये उसके लिए पॉजिटिव चेंजेस होंगे। और अगर वो नहीं कमाता है तो ये उसके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। एक और चीज़, हेल्थ में भी उसके पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए। मतलब जैसे आज अनफिट है तो कल फिट हो, और फिट हो तो अपने आप को और भी ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूव करे ताकि वर्किंग इफिशेंसी और भी ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, तो याद रखिएगा डेवलपमेंट रिफर्स टू इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इम्प्रूवमेंट इन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। देयर इज़ अ प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू फैक्टर। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट डेवलपमेंट रिफर्स टू पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट इन अवर कंडीशन। ओके, आई होप यू ऑल गेट इट वाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ, वाट इज द एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। नाउ लेट अस कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अब देखिए, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, जाहिर सी बात है जितने भी लोग हमारे समाज में रह रहे हैं, क्या उन सभी लोगों का गोल, उनका जो एम है वो एक हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सभी की कंडीशन सेम नहीं होती है। इंसान अपना एम, अपना गोल अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही बनाता है। अब कोई 10th क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहा है,
और कोई क्या कहते हैं जॉब में है या किसी प्रकार से किसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी में है, तो उस इकोनॉमिकल एक्टिविटी वाले पर्सन का और इस क्लास टेन के बच्चे का डेवलपमेंट गोल एक हो सकता है, या आप कह लो कि आपके सोसाइटी में डिफरेंट कास्ट और रिलीजन के लोग रहते हैं, क्या उन सभी लोगों का गोल एक हो सकता है, या आप कह लो कि आपके सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को परफॉर्म करते हैं, कोई रिच है कोई पुअर है, तो क्या उन सभी पर्संस का गोल और डेवलपमेंट एक हो सकता है? नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि सभी पर्संस की कंडीशन सेम नहीं है, बिकॉज कंडीशन ऑफ एवरी पर्सन इज नॉट सेम, दैट्स वाई एवरी पर्सन हैव कन्फ्लिक्टिंग गोल. इसी के कारण सभी पर्सन्स का जो गोल होता है वो बहुत ही अलग होता है. आइए इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक एग्जाम्पल के बेसिस से जानने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल के बिहाफ से इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं. चलिए देखिए, पर्सन ए है, पर्सन ए वाज अ लैंडलेस रूरल लेबर. पर्सन ए क्या एक लैंडलेस रूरल लेबर है, ठीक. देन व्हाट इज द गोल ऑफ डेवलपमेंट फॉर हिम? गोल डेवलपमेंट का गोल इसके लिए क्या होगा? इसके लिए डेवलपमेंट का गोल होगा कि एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दिन इसको बेटर वेजेस पर वर्क मिले, महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दिन इसको बेटर वेजेस पर वर्क मिले, और जिस गांव में ये रहता है उसी गांव में लोकल में इसके बच्चों को कम सस्ते दामों में चीप कॉस्ट में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, और ये एक ऐसी सोसाइटी में एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे कोई भी इसको डिस्क्रिमिनेट ना करे इसके कास्ट और सोशल स्टेटस के बेसिस पे. तो ये पर्सन ए जो कि एक लैंडलेस रूरल लेबर है, इसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा कि ज़्यादा से महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दिन बेटर वेजेस पे वर्क मिले, सेकेंड थिंग इसके बच्चों को चीप रेट में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, तीसरा जिस सोसाइटी में ये रह रहा हो उस सोसाइटी में इसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, ठीक है. तो ये तो पर्सन ए की कंडीशन थी. आइए हम और भी पर्सन्स के बारे में जानते हैं कि उनके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या हो सकता है. पर्सन बी वॉज अ लार्ज फार्मर. पर्सन बी एक बहुत ही बड़ा किसान है, तो इसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा? क्या इसके लिए भी डेवलपमेंट का गोल वही होगा जो पर्सन ए के लिए था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पर्सन ए की कंडीशन अलग थी, पर्सन बी की कंडीशन अलग है. कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही सभी पर्सन्स अपने गोल को अपने एम को डिसाइड करते हैं. ओके, अब पर्सन बी के लिए इसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? द डेवलपमेंट गोल फॉर हिम इज दैट प्रोड्यूस मोर ग्रेन इन अपकमिंग ईयर. आने वाले सालों में और भी ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जा सके. ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू परचेज मोर लैंड फॉर वर्क. और भी ज़मीनें खरीद सकें और बहुत सारे लग्जरियस चीज़ें खरीद सकें ताकि प्रोडक्शन को भी बढ़ा सके और अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव कर सके. तो यह आपके पर्सन बी के लिए जो कि एक लार्ज फार्मर है, इसके लिए डेवलपमेंट का गोल होगा. अब पर्सन सी के लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा? पर्सन सी है क्या भाई, पहले ये तो जानो. पर्सन सी आपका एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, एक युवा बेरोजगार. इसके लिए आपके डेवलपमेंट का गोल क्या होगा? इसके लिए डेवलपमेंट का गोल ये होगा कि इसको एक जॉब मिल जाए, ठीक. इसको क्या मिल जाए? एक जॉब मिल जाए, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति है, युवा नौजवान है, जॉब की तलाश में है. तो इसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा? जॉब मिल जाए. जब जॉब मिल जाएगा तो ये फिर अपना कोई और डेवलपमेंट का गोल डिसाइड करेगा. याद रखिएगा, डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस भी होता है जो कभी रुकने वाला नहीं होता है. ओके, डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लगातार कंटिन्यूसली पॉजिटिव चेंजेस होने ही चाहिए, अदरवाइज वो प्रोसेस भी डेवलपमेंट नहीं होगा जो रुक जाए. डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव चेंज प्रोसेस. ओके, आइए आगे जानते हैं. इफ दीज ऑल एग्जाम्पल क्लियर द कॉन्सेप्ट वाई एवरी पर्सन डज नॉट हैव सेम गोल. ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स ने आप सभी के डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा कि क्यों डेवलपमेंट का गोल सभी पर्सन्स के लिए एक नहीं होता है. ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स. क्या किसी भी पर्सन के जीवन में इनकम ही सबसे बड़ा गोल होता है? नहीं. इनकम से आप अपनी ज़रूरतें की सारी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिनको आप इनकम के मदद से नहीं खरीद सकते. तो हर एक पर्सन के लाइफ में इनकम ही एक गोल नहीं होता. इनकम के अलावा भी हर एक पर्सन के लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं. जैसे सभी चाहते हैं कि उनके पास फ्रीडम हो, सभी चाहते हैं कि वो जिस सोसाइटी में रह रहे हों उस सोसाइटी में उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ. सभी चाहते हैं कि जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं वहाँ पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए,
ठीक है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें। उसके बाद लास्ट थिंग, जिस भी जगह पे वो रह रहे हैं उनको रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती, पैसा सभी कमाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीना चाहते हैं तो पैसे के अलावा इन सभी चीज़ों का भी आपके लाइफ में उतना ही रोल होता है जितना कि इनकम का। तो इनकम के अलावा पर्सन्स के लाइफ में इन सभी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा कहते हैं रिक्वायरमेंट होती है। इन सम केसेस दीज मे मोर इम्पॉर्टेंट दैन इनकम, बिकॉज इनकम इज़ नॉट सफिशियंट फॉर सर्वाइवल। कहीं कहीं पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन समाज में आपकी इज्जत ही नहीं है, क्या ऐसा समाज में आप रह सकते हैं? रह सकते हैं, लेकिन ऐसे रहने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो पैसे के साथ साथ समाज में आपके पास ये सभी चीज़ें भी होनी चाहिए। आपकी आपको सुरक्षा मिले, आपके पास फ्रीडम हो, आपको सब इक्वली ट्रीट करें, आपके पास रेस्पेक्ट हो। अगर ये सारी चीज़ें भी इनकम के साथ है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो समाज आपके लिए कोई एक अच्छा समाज नहीं है। ठीक, तो इनकम के अलावा ये सारी चीज़ें भी हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। नेशनल डेवलपमेंट क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट इज द एबिलिटी ऑफ कंट्री और कंट्रीज टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है पूरे देश के विकास की बात हो रही है, पूरे नेशन के डेवलपमेंट की बात हो रही है। पूरे नेशन का डेवलपमेंट क्या है? पूरे नेशन का डेवलपमेंट मतलब पूरे के पूरे कंट्री का जो सोशल वेलफेयर है वो कंटिन्यूसली उसमें पॉजिटिव चेंजेस आते रहे। फिर से फोकस करिएगा, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है पूरी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं या सोसाइटी है, सोसाइटी का जो वेलफेयर है उसमें लगातार पॉजिटिव चेंजेस होते रहें, ताकि उस सोसाइटी में, उस कंट्री में रहने वाले लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में भी पॉजिटिव चेंजेस आ सकें। ठीक, ओके। इट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल और नेशन। इट इंक्लूड फुल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट। कंडीशन ऑफ एनी कंट्री कैन बी मेजर्ड बाई पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को सबसे बेस्ट फैक्टर माना गया है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ओके, और पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम रिप्रेजेंट द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल के इनकम को पर कैपिटा इनकम रिप्रेजेंट करता है, और इसको निकालने का फार्मूला है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन की मदद से आप पर कैपिटा इनकम को निकाल सकते हैं। पर कैपिटा इनकम एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट या एलिमेंट है जिसकी मदद से आप किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। ओके, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। देखिए अभी लास्ट टॉपिक में ही मैंने बता दिया आपको क्या कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या है। तो पर कैपिटा इनकम क्या कहते हैं, एक ऐसी इनकम है, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल पर्सन की जो इनकम होती है उसी को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। और ये आपके क्या कहते हैं, ये चीज़ शो करती है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की कंडीशन कैसी है। जिस पर्टिकुलर कंट्री का पर कैपिटा इनकम अच्छा होता है उस कंट्री का डेवलपमेंट कंडीशन भी अच्छा होता है। ठीक, मैंने एक और चीज़ आपको भी लास्ट टॉपिक बताई, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है पूरे के पूरे कंट्री का डेवलपमेंट, और पूरे के पूरे कंट्री के सोसाइटी में जब क्या कहते हैं पॉजिटिव चेंजेस लगातार आ रहे हों तब वो नेशनल डेवलपमेंट होगा। और सोसाइटी में अगर लगातार आपके सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लोगों का, रहने वाले लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं इम्प्रूव हो रहा है, तब ये आपके नेशनल डेवलपमेंट नहीं होगा। अब देखिए इस टॉपिक में, आज ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के, इसमें हम कवर करेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अगर हमें कंपेयर करना हो कि कौन सा राज्य ज़्यादा विकसित है या कौन सा देश ज़्यादा आगे है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? अगर हमको 2 या 3 या 10 देशों को आपस में कंपेयर करना हो या 10-20 राज्यों को आपस में कंपेयर करना हो, तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा इनमें बेहतर है? तो इसे पता करने के लिए भी हम यूज़ करेंगे किसका, पर कैपिटा इनकम का। किसका यूज़ करेंगे? पर कैपिटा इनकम का। देखिए वर्ल्ड बैंक हर साल आपके रिपोर्ट इशू करती है, और उस रिपोर्ट के मदद से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है और कौन सी पुअर है। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड बैंक के 2013 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अब पहला पॉइंट देखते हैं, 2013 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंट्री का इनकम, पर कैपिटा इनकम 12,736 यूएस डॉलर या उससे ज़्यादा है, तो वो कैसी कंट्रियाँ होंगी? वो कंट्रियाँ डेवलप कंट्रियाँ होंगी। आई रिपीट इट अगेन, अगर ऐसी कंट्रियाँ जिनका पर कैपिटा इनकम साल भर में 12,736 यूएस डॉलर या उससे अधिक है, तो वो कंट्रियाँ आपकी डेवलप्ड कंट्रियाँ होंगी। ओके, और ऐसी कंट्रियाँ जिनका पर कैपिटा इनकम साल भर का
12,736 से लेकर 1,045 US डॉलर के बीच में है। वो कंट्रियाँ आपकी डेवलपिंग कंट्रीज होंगी। सॉरी यहाँ बाई मिस्टेक डेवलप्ड हो गया है, ये डेवलपिंग होगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ऐसी कंट्रियां जिसका पर कैपिटा इनकम साल भर का 12,736 US डॉलर से लेकर 1,045 US डॉलर के बीच में है, वो कंट्रियां आपकी डेवलपिंग कंट्री होगी, और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। थर्ड थिंग, हर वो कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम 1,045 US डॉलर सालाना या इससे कम है, तो वो कंट्रियां आपकी कैसी कंट्री होंगी? पुअर कंट्री होंगी। तो देखिए यहाँ पर कैपिटा इनकम ने कितना वाइटल रोल प्ले किया है। पर कैपिटा इनकम कंपोनेंट की मदद से हमने ये जाना कि कौन सी कंट्री डेवलप कैटेगरी में आएगी, कौन सी कंट्री डेवलपिंग की कैटेगरी में, और कौन सी कंट्रियाँ पुअर की कैटेगरीज में आएंगी। वर्ल्ड बैंक 2013 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अगर ऐसी कंट्रियाँ जिनका पर कैपिटा इनकम इन क्राइटेरियाज में है, तब तो वो डेवलपिंग या पुअर कैटेगरीज में आएंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड मैं आप सबको एक और चीज़ बता दूं, अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर टॉपिक को मेंशन करिए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना के उसे और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ अपने चैनल एजुकेशनल हाइक पे। जय हिंद।